दोस्तों आज इस वीडियो में क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूँ जो कि मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से फेसबुक इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से बहुत बार पूछा गया और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस में हैं तो इसका जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार था कि सर स्टॉफिंग डिस्टॉफिंग क्या होता है और ये कितने टाइप्स के हैं। तो यही सब्जेक्ट को आज बहुत ही शॉर्ट और स्वीट वे में मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। हाय आई एम विश्वनाथ संधा, बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर, बाय प्रोफेशन आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड सक्सेसफुल एक्सपोर्टर। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। चलिए अभी हम समझते हैं कि स्टफिंग और डिस्टफिंग किसको बोला जाता है। देखिए शिपिंग और ट्रांसपोर्टिंग लैंग्वेज में जब भी शिपिंग कंटेनर्स में मटेरियल को लोड किया जाता है उसको स्टफिंग बोला जाता है और जब भी सिमिलरली जब शिपिंग कंटेनर से मटेरियल को अनलोड किया जाता है उसको डिस्टफिंग बोला जाता है। और जब भी आप शिपिंग यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आएंगे आपको यही दो वर्ड स्टफिंग और डिस्टफिंग सुनने को मिलेगा, लोडिंग अनलोडिंग सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसका एक क्लैरिटी आपको रखना बहुत जरूरी है। चलिए अभी हम ये समझते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। सो जो फर्स्ट टाइप होता है उसको डॉक स्टफिंग बोला जाता है। डॉक यानी जहां पे वेसल यानी जहाज लगते हैं और ये कंटेनर उसमें लोड होते हैं उसको डॉक बोला जाता है। लेकिन एग्जैक्टली मीनिंग पर ऐसा नहीं होता है कि वहीं पे ही ये मटेरियल कंटेनर पे लोड होते हैं। जो पोर्ट है वो एक बहुत बड़ा एरिया होता है तो पोर्ट के बाहर और गेट के बाहर बहुत सारे CFS होते हैं, कंटेनर फ्रेट स्टेशन होते हैं, वहां पे कंटेनर को भरा जाता है। जैसे कि आज एन एक्सपोर्टर आप क्या करते हैं ट्रक में अपने जो मटेरियल है आप CFS तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और CFS के अंदर कस्टम क्लियरेंस से लेकर सब कुछ सारे प्रोसीजर होने के बाद उसको कंटेनर में लोड कर दिया जाता है। तो ये जो लोडिंग होती है इसको डॉक स्टफिंग बोला जाता है। सिमिलरली एज एन इम्पोर्टर जब आपकी जो कंटेनर से वो CFS के अंदर अनलोडिंग होती है डिस्टफिंग होती है तो उसको डॉक डिस्टफिंग भी बोला जाता है। चलिए अभी जो सेकेंड प्रकार की स्टफिंग और डिस्टफिंग है उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं जिसको ICD स्टफिंग और डिस्टफिंग बोला जाता है। ICD यानी इनलैंड कंटेनर डिपो जिसको ड्राई पोर्ट भी बोला जाता है। ये होता क्या है जैसे कि हमारे कंट्री में हर जगह सी पोर्ट नहीं है तो जहाँ पे सी पोर्ट नहीं है देश भर में अलग अलग शहरों में और अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया में ICDs होते हैं। तो ICD में सारे फैसिलिटीज होते हैं, कस्टम क्लियरेंस होती है, लोडिंग होती है, अनलोडिंग होते हैं, सारे फैसिलिटीज होते हैं। तो वहाँ पे जब कंटेनर के सारे क्लियरेंस हो जाता है वो वहाँ पे जो कंकर लाइन है इंडियन की जो रेलवे की जो लाइन है जो कार्गो ट्रांसपोर्टिंग करता है वो ICD से पोर्ट तक जो कंटेनर है उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो ICD में जो मटेरियल कंटेनर के अंदर स्टॉप किया जाता है यानी लोड किया जाता है उसको ICD स्टफिंग बोला जाता है। सिमिलरली जब भी आप इम्पोर्ट करते हैं और ICD में अगर उसको डिस्टफ यानी अनलोड किया गया है तो उसको ICD डिस्टफिंग बोला जाता है। चलिए अभी जो तीसरे प्रकार की स्टफिंग और डिस्टफिंग है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं जिसको फैक्ट्री और वेयरहाउस स्टफिंग और डिस्टफिंग बोला जाता है। जैसे कि जब भी आप अपने फैक्ट्री और वेयरहाउस से मटेरियल को अपने शिपिंग कंटेनर्स में लोड करवाते हैं तो उसको फैक्ट्री स्टफिंग बोला जाता है। सिमिलरली जब भी आप मटेरियल इंपोर्ट करते हैं और अपने वेयरहाउस में डायरेक्टली मंगाते हैं या फैक्ट्री में डायरेक्टली मंगाते हैं और वहां पे अनलोडिंग करवाते हैं तो उसको फैक्ट्री और वेयरहाउस डिस्टफिंग बोला जाता है। और फैक्ट्री स्टफिंग और डिस्टफिंग करने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है कस्टम डिपार्टमेंट से और ये आपके आप जब अपने CHA को कॉन्टैक्ट करेंगे वो ऑन बिहाफ ऑफ यू ये आपको करके दे देते हैं और इसका एक स्पेसिफाइड फीस होती है अप्रोक्सीमेटली 25,000 से लेकर 35,000 तक इसका फीस होती है और इसके वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है। आप जो लोकेशन के लिए इसका परमिशन लिए हैं वो लोकेशन में आप लाइफ टाइम स्टफिंग और डिस्टफिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हर बार की तरह मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा अगर मेरे वीडियो से आपको जानकारी मिल रहा हो और मेरे वीडियो से इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जो अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच पाएगा और ये आपके लिए पूरा का पूरा फ्री है। लेकिन जब आप ये करते हैं तो दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता है और दूसरे कंटेंट में आपके लिए प्रिपेयर कर पाता हूँ। इसके अलावा इसके ये जो वीडियो का कोई गेन नहीं है मुझे, इसमें मेरा टाइम और जो एफर्ट्स है दोनों इन्वेस्ट होते हैं तो आप ये कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।